अजय जी क्या समस्या है, आज क्यों आज जो है धरना प्रदर्शन किया? सरोज ना, समस्या देखिए मेन ये है यहाँ क्या, बिजली की समस्या हम मान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में है, लेकिन मेन समस्या ज्यादा हमारे गांव में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये तारे जब लगी हुई है शायद बराबर आप मीडिया में नहीं रहे होंगे, तब की तारे ट्रांसफार्मर की हालत आप देख लीजिए, कैमरे से दिखा सकते हैं, यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है एकदम, मतलब कई लोग फ्रिज टीवी जल जा रहे हैं, नुकसान है। बिजली विभाग के एक्सीएल तक सबको सूचना गई है, जेई से भी बात हुआ, वो कह रहे हैं विद इन मिनट आ रहे हैं, विद इन आवर आ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं तो रात जेई साहब का नाम कहा चेक कर ले रहे हैं, चेक करके कह रहे हैं सब सही है, चले आज इस वजह से धरना प्रदर्शन हुआ। अगर इसको ये सही नहीं करते हैं तो अभी तो रोड ब्लॉक किया था, लोगों को थोड़ी समस्या होगी, इससे बड़ा वो होगा समस्या इसमें है, स्कूल के बच्चे की पढ़ाई लिखाई, जो नौकरी पेशे वाले हैं वो नहा नहीं पाते हैं सुबह, सिर्फ बीएचयू के स्टाफ जो बीएचयू में जा रहे हैं कर रहे हैं, और यहाँ ये रोड मेन रोड है, आप समझ रहे हैं यहाँ बड़े बड़े बीजेपी लोग आते जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, विधायक भी यहीं से आपके बीजेपी पैक्ट से जुड़ी हुई पार्टी है, तो ये हमारी समस्या ये है, अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन में पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है, अमन यादव सक्रिय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। अमन जी किस तरह का चक्का जाम किए हैं और क्या था मामला? आज चक्का जाम जो है कि श्री गोवर्धनपुर में, यह विश्व का एक ऐसा गांव है, यहाँ पे हर साल देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं दर्शन पूजन करने और बाबा संत रविदास जी के चरणों भी गिरने, और यहाँ भी लगातार 4 महीनों से विकराल गर्मी पड़ रही है, वोल्टेज की समस्या है, यहाँ पे जेई साहब को फोन करिए, जेई साहब को श्री गोवर्धनपुर गाँव से पैसा वसूलने से फुर्सता नहीं है, SDO साहब लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, SCM साहब लगातार आश्वासन, आज जनता घर में बच्चे हैं बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, गर्मी के दिन में सब परेशान हैं, बच्चे रोग आ रहे हैं इतना गर्म, सब बिना डुला डुला हालत खराब है, सुबह जो हमारे गांव के लोग ड्यूटी पे नौकरी पे जाते हैं वोल्टेज लो की वजह से लाइट नहीं रहती है, पानी चालू नहीं होता है, कनेक्शन पे दूसरे वाले से फेस लेने के चक्कर में उसमें तार फेंक के पानी भरते हैं, तो ये जेई को भी सब फोन कर देते हैं, वो आते हैं गांव भर में वीडियो बना के पैसा लाख रुपए वसूलते हैं चोरी दिखा के, यह चोरी नहीं है, यह गांव की जनता परेशान है, गांव की जनता परेशान है, ड्यूटी जाने के लिए पाई नहीं है, घर में बच्चे हैं तब जाके ऐसा काम दूसरे फेस बदल रहे हैं, तो जेई साहब लोग मिलके छापामारी कर करके जो पैसा दे रहा है उनका नाम हटा दे रहे हैं, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं उन पे मुकदमा लिख रहे हैं, यह मैं अमन यादव ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, उनका नंबर जिस जेल में छापा मारे उनका नंबर जांच कराइए, जेई साहब का SDO का इन सबों का नंबर जांच कराइए, सच क्या है झूठ क्या है पता हो जाए, यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पे मोदी जी अब देखिए 2024 आ गया है, यही में आएंगे रविदास दलित वोट बैंक का राजनीति करने माथा टेक कर चले जाएंगे, और यह गाँव जो है कि बिजली की समस्या से जूझ रहा है, यह गाँव नाली की समस्या से जूझ रहा है, इन लोग नेता लोग खाली आते हैं जनता को लुभावना भाषण दे के चला जाते हैं, एक हफ्ता का समय दिया गया है, एक हफ्ता का समय, अगर एक हफ्ते में जो है कि यह कार्रवाई नहीं होता है तो इससे आगे हम लोग बढ़ के धरना प्रदर्शन छोड़िए, हम लोग जल त्याग कर बैठ जाएंगे। जी अपना नाम बता दे। मशकिल का रहने वाला हूँ। किस तरह की समस्या थी और क्यों चक्का जाम किया है? समस्या ये हमारी करीब 4 महीने से है, वोल्टेज को लेकर जी, ट्रांसफार्मर को लेकर हम लोग कई बार ATM यही यहाँ के लोकल अधिकारियों से बात किया, उन्होंने केवल हमको आश्वासन दिया आज ठीक हो कल ठीक हो जाएगा, हमने लिखित उनको दिया शिकायत पत्र दिया, उसके बावजूद इन्होंने हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज चक्का जाम करने का चक्का क्या? जाम इसलिए करना पड़ा कि जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद हमने चक्का जाम करने का निर्णय लिया, और मौके पर जेई साहब आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत? आश्वासन मिला जेई साहब चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग का धरना प्रदर्शन अभी स्थगित हुआ, आगे का प्रोग्राम हम लोग का अगर ये लो वोल्टेज से क्या समस्या आ रही है? लो वोल्टेज समस्या आ रही है कि पानी की समस्या हो रही है, बिजली विभाग लापरवाह एकदम हो गया है, सुनवाई नहीं कर रहा हम लोग के बारे में, जनता परेशान है, सामान भी खराब हो रहा है, बच्चे परेशान है। अगर 5 दिन के अंदर चाहे लिखे चाहे लिखे आप लोग एक हफ्ते 8वें दिन बोल कर आठ दिन के अंदर वो काम करता हूँ 8 दिन के अंदर नहीं होगा फिर हम लोग
इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।